मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक फैमिली मेरी और है जिसको मैं यूट्यूब फैमिली कहती हूँ और इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। और मेरा बब्बा, मैं लेडी वाली जब भी बब्बी के पास जाती हूँ ना, तू बीच में आ जाती है, फिर तू उसके पैर पे पैर रखेगी और फिर वो रोएगा। मास्क डालने के लिए ना चुपचाप बैठ गए, पापा ना मास्क डालने लगे तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। ये मजल खुल नहीं सकता, खुलता खुलता है फिर क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, फिर मैं बाय बाय। कहाँ बाय बाय? हॉस्पिटल। तो बब्जी के साथ ना हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पीछे के दोनों पैरों की जो हड्डियां हैं वो अपने सॉकेट में से निकली हुई हैं, जिसे हम हिप डिस्प्लेसिया कहते हैं। भाई वो घुरा रहा है बड़ी तेज की, ओला को कहाँ ले गए हो? भागने नहीं, अब ये देखो ये हो गया ना, इंजरी पा गई ना तुम्हारे पे। अगर गुस्से में मत मार, वो गुस्से में आ रहे लोंडा, पीछे ना ज्यादा रगड़े मत मारना, जैसे तुम ओली और जोई के मार रहे थे ना। मैं नहीं मार सकता इसके, दो मिनट हमसे पूछते कि आप प्लास्टिक का मजल क्यों नहीं डालते, स्टील का भी डालते। तो गाइस जो घरेलू डॉग्स होते हैं ना बिग ब्रीड, उनको प्लास्टिक वाला जो है ना ज्यादा ना चलेगा नहीं। शिबिया दादू कह रहे हैं ना हैंड्स फोल्ड कर ले, हैंड्स फोल्ड कर, नीचे बैठ, हैंड्स फोल्ड कर, वेरी गुड। अब मम्मा इसको सॉन्ग लगा दो, ये हैंड्स फोल्ड कर लिया इसने, दो दो, ठीक है। हाँ मन्नी चले ऊपर, चलो ठीक है। अब तू है ठीक है, बोल मैं ठीक हूँ, अगली लड़ाई तक ठीक हूँ, ठीक है। अगली बार तुम बेइज्जत करोगे फिर देखेंगे। उनको क्या दिखा रहे हो, वो भी लड़ते हैं, उस दिन पापा भी तो कह रहे थे। कल मैं और मन्नी थोड़ा लड़ पड़े थे। अच्छा हाँ, मैं तो तेरी आवाज से ही पता लग गया है। हाँ मैं ताई राती आई सी, मैं ते बड़ी बेचैन हो गई सी, फिर मैंने रात को इसको मैसेज किया। हाँ मैंने बताया नहीं इनको, फिर नींद आई जाके। सानू अच्छा नहीं लगता जो तुसी, कभी पापा 6 महीने में एक बार तो हो ही जाता। साल हो गया मन्नी, हाँ साल हो गया था, मिशन करके कभी भी ना हो जाना। अरे कभी कभी लड़ते हैं हम साल में एक बार। आप नहीं लड़ते अरुण भैया दीदी से, ये नहीं लड़ते आपसे, आप दोनों आपस में नहीं लड़ते। शिवाय ले, आप मारते हो भैया को, कह रही है ऐसे ले। तो चलो आप शिवाय को बिठाओ जरा, हम जरा को निलाने जा रहे हैं। क्या ले गया चश्मा? ओए चश्मा की डंडियां मत तोड़ दियो, एक तोड़ चुका है ऑलरेडी, तू छोड़ दे इसे, इसको तो छुपाना पड़ेगा चश्मा, इसको ना मैं ऊपर रख देता हूँ। बनवाने चलो फिर, नंबर बताओ, नंबर पता है या नंबर भी दोबारा? जी 1.36। हाँ मैं अब कल चलते हैं, चश्मों का नंबर दे दो, मैं आपके चश्मे बनवा देता हूँ, ठीक है ना? आपका भी चश्मा है दीदी? तुम्हें नहीं दिखता, तो ठीक है। दूर का पास का है? दूर का भी पास का भी। अच्छा तो चलो, उसका टूट गया एक बार, उधर है वो गया। तो गाइस मैंने आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़े व्लॉग पे, लोगों ने राहुल को बड़ा बैश किया, ट्रैश किया, तो ठीक है मैंने भी खूब दी थी कल। तो मुझे ना लेकिन अच्छा लगा कि जो हमारी ऑडियंस है ना वो ना कनेक्ट करती है हमारे साथ, मतलब हमें दर्द होता तो आपको भी होता है, और तुम्हें फील हुआ वो कनेक्शन? हाँ मुझे तो हुआ, तेरे लिए से नहीं। एक आया था कह रहा नमिता कितनी फेक है, और वो एक का दुखा थे, और राहुल ने नमिता को आईफोन 14 लेके दिया है, फिर भी 90% लोगों ने बोला कि मोटे तू अगर मुझे मिलता तो मैं तेरे डंडे मारता है, मोटे तेरे ऊपर तो केस करना चाहिए मेंटल हैरेसमेंट का, मोटे को मारो है, मोटे को मत छोड़ो। वो ना कोई तुम्हारे साथ किसी को हेट नहीं, वो सब मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक फैमिली मेरी और है जिसको मैं यूट्यूब फैमिली कहती हूँ और इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। कई लोगों ने कहा बहन मेरे घर आ जाओ, कोई कुछ कोई कुछ, कई लेडीज ने समझाने की कोशिश की है तो हर घर की कहानी है, तो यस ये हर घर की कहानी है। और मतलब काफ़ी टाइम बाद 6 महीने साल बाद हम लोग इतनी बुरी तरह लड़े हैं, और अगर कपल में लड़ाई ना हो तो फिर ज़िंदगी का मज़ा क्या। यहाँ पर लेडी ओली और बब्जी
बैठे हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए बारिश का मौसम है। इंडिया पाकिस्तान का थोड़ी देर में मैच चालू हो जाएगा गाइज। और बब्जी पापा नहलाएंगे आपको, और मतलब बब्बा मैं लेडी वाली जब भी बब्जी के पास जाती हूँ ना, तू बीच में आ जाती, फिर तू उसके पैर पे पैर रखेगी और फिर वो रोएगा। वे कब उदास हो ओला, ये अजीब तरीके की पत्नी है, मेरा पति सिर्फ मेरा है, कोई और उसको हाथ ना लगाए। ओला सिट सिट गुड गर्ल। हाय बब्बे, ये धक्के दे रही है मेरे को, बब्जी मेरे पास प्यार लेने आया है, ये लेने ही नहीं दे रही। ओला नो बेटा, बब्जी को प्यार मैं करूंगी, तू पीछे होगा, सिट डाउन सिट ओला ओला, ये देख। अब मैं इसको ना वो करती, ये देखो लड़ पड़ी कि मम्मा से सिर्फ मैं प्यार लूंगी। ओला कम ओला, ये लो ये देख, चढ़ के देखिए मैंने क्या रखा है, दिमाग तो पूरा है लड़की में पूरा। हाँ बब्जी आ मेरा बच्चा, अच्छा बब्जू तू बब्जू है, एक ध्यान उधर है कि पापा कुछ ला रहे हैं खाने को या क्या करने वाले हैं, और एक ध्यान इसका बब्जी की बॉडी रगड़ी चाहिए, बब्जी की थोड़ी धीरे रगड़ना, इसको दर्द रहे। हाँ, बड़े प्यार से बैठ गया, कितने प्यार से, प्यारा बच्चा है ये। मास्क डालने के लिए ना चुपचाप बैठ गया कि पापा ना मास्क डालने लगे तो मैं चुपचाप बैठ जाऊँ। ये तंग करती है, पता बब्जी का रिएक्शन भी ये निकलवाती है। बब्जी का ना सिर्फ दर्द है, इसकी वजह से वो बेचारा ना परेशान है। मेरे पास आया प्यार लेने, ये बीच में आ गई, इसने लेने ही नहीं दिया। बब्बू तो बब्जी इतना क्यूट है, देखो मजल भी इतने प्यार से पहनाऊंगा। अगर ये हट जाए, अगर इसने पैर रख दिया ना इस बीच में तो उसके दर्द हो जाएगी फिर। ओला इधर आ, मैं ओला को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, ये ले देख क्या उधर चीजी है। ओला को हड्डी लेके बिठा दो, ओला को भी अंदर बंद कर दूंगा ना। हाँ नहीं तो ना इसका ना स्ट्रैप भी अब कितना पुराना हो गया, पुराना देखना थोड़ा, इसको गले से साफ करने की जरूरत है। इसको हड्डी देके बिठा दो, मैं तो कह रही हूँ क्या बैठी रहेगी। तो बब्जी के मजल डल चुका है, मजल डालना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इसको नहला नहीं सकते, लेकिन इसके इतनी दर्द है, अगर गलत जगह हाथ लग गया तो फालतू में इसकी शक्ल देख इस टाइम पंगा हो जाएगा। हाँ मेरा, हाँ बब्जी क्या हुआ है, ये मजल खुल नहीं सकता, खुलता बस खुलता है, फिर क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, फिर मैं बाय बाय। बाय बाय कहाँ बाय बाय, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्यों जाओगे, तुम्हें लगे तो वह सारे सीरम, तो दोबारा भी तो लगेंगे, लाइफ टाइम का सीरम लगते हैं भाई। ये रेबीज इंजेक्शन वाले वो थोड़ी है कि एक कुत्ता मार गया और एक दांत, इनका काटा हुआ थोड़ी वैसे काटेगा नहीं, काटता नहीं है राहुल, इसने तुम्हें कभी नहीं काटा, ये सिर्फ वो करता है क्या बोलते प्ले वे में ना वो मार देता है। ये देखना इसने क्या किया मेरी ड्रेस। बब्बा अपने पापा को ना ट्रस्ट करता है, बस उसको जब दर्द होती है ना तब रिएक्ट करता है। ओला देख रही है, ओला तेरे को भी बना दे मजल, ओले कह रहे मजल हटा है ना, ये देखो प्यार चाहिए बब्बे को, कर तो ले बेटे पापा प्यार, आप बदबू मार रहे हो, आप नहाई नहीं कर लो। तो बब्जी के साथ ना हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पीछे के दोनों पैरों की जो हड्डियां हैं वो अपने सॉकेट में से निकली हुई हैं, जिसे हम हिप डिस्प्लेसिया कहते हैं, हिप की बोन हिल जाती है, तो पीछे के ये जो आप देख रहे हो उसके दोनों कुल्लड़, ठीक है, वो दोनों कुल्लड़ टूटे हुए हैं, मतलब मत कर शिवाय कह रहा हूँ मैं इसको ना, हाँ मेरे को हाथ मार के मैं कुछ नहीं करूँगा गलत, अच्छा इसको हड्डी देके बिठा दो, ये डिस्ट्रैक्टेड रहेगी, ये देखना बब्जी को कैसे कर रही है, ये जान के उसके देखो वहीं छेड़ रही है जहाँ उसको दर्द है ताकि वो रिएक्ट करे। ये हटाना नहीं ना, हटाना फिर राहुल, वो फटाफट नहला लो, चल मजल तो बना ही दिया, देखो चलो के नाम से कैसे बाहर नहीं जा रहे पुत्र, देखो मजल लेके थोड़ी बाहर गए हैं कभी भी, बब्जी नो, तो बब्जी को ना राहुल मेरे साथ अकेला छोड़ गए हैं यहाँ पे, वो भी उस सिचुएशन में जब उसको मजल डला हुआ और वो गुस्से में है वैसे ही। हाँ बब्बे बब्बो बब्बो बब्स, गुस्से में है मेरा बब्बा, बाबे हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बब्जी, इससे ना ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकते, ये लड़का ना वो हो जाता है। अब ये परेशान है कि ओला को कहाँ ले गए भाई, वो घुर्रा रहा है बड़ी तेज कि ओला को कहाँ ले गए हो, चांस देखो कैसे खड़ा ओला की, लेकिन मेरी पत्नी को तुम लोग कहाँ लेके गए हो, मेरे को तो लेके चमेली चमेली।
देखो अपना नाम सुनती है ये समझती है। अब ये ना पहले उस घर के आगे बैठती थी वहाँ पे, अब ना ये हमारे घर के आगे बैठने लगी क्योंकि इसको पता खाना हम ही देते हैं। और खाना ना हम शुरू से ही देते हैं, लेकिन अंडा देना अब हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो इसको ना अंडे की क्रेविंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दूसरा खाना, तो उनके घर से ना दूरी बैठती है अब ये। तो मुझे गुस्से में ऐसे देखेगा तो मैं कैसे करूंगा मेरे बच्चे? इसको बांध दो। बांधना पड़ेगा बंदे, एक जगह बांध दो। पट्टा कहाँ है दूसरा जिससे बांधोगे? नहीं नहीं वैसे नहीं बांध रहा। फिर वैसे तो मैं हाथ से पकड़ लूंगा इसे। अच्छा समझ गए, ये तुम इसलिए बांध रहे हो कि अगर भागेगा तो पकड़ लूंगा। भागना नहीं, अब ये देखो ये हो गया ना, चलो भाग गई ना तुम्हारे पास। अरे गुस्से में मत, बहुत गुस्से में आ रहा है लौंडा। इसको समझ आ गई है? समझ नहीं, मन नहीं पता क्या? तो मैं ना थोड़ा तेज होके दिखाना भी पड़ेगा, अगर मैं डर जाऊंगा ना तो ये कभी भी नहीं नहाएगा, ठीक है ना? ये वाटर बेबी है नहीं राहुल, मुझे तो वैसे ना तुमसे ज्यादा अपनी चिंता हो रही है। पीछे ना ज्यादा रगड़े मत मारना, जैसे तुम ओली और जोई के मार रहे थे ना। मैं नहीं मार सकता इसके रगड़े, दो मिनट जा। दो मिनट रुक जा। हीला तो हो गया है, इसका मास्क उतर आया। ओहो ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, तुम मास्क उतर गया भाई। पानी पानी पी लो। मेरे को पीछे नहीं देखते कौन बोल दिए लौंडिया पीछे से। थोड़ा टफ काम है राहुल आज, है ना? ले लो खतरों का काम। हाथ के बाल देख कितने सारे मेरे कपड़ों पे पूरे आए हुए हैं। मजल कैसे उतर गया? लूज है, इसने ऐसे से किया होता और नहीं है इसमें छेक। नहीं मजल एक नया लाना पड़ेगा, इतना स्ट्रॉन्ग मजल है ये वैसे। अरे वो प्लास्टिक से बेहतर है ये। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप प्लास्टिक का मजल क्यों नहीं डालते, स्टील का क्यों डालते? तो गाइस जो घरेलू डॉग्स होते हैं ना देख ब्रीड, उनको प्लास्टिक वाला जो है ना ज़्यादा ना चलेगा नहीं, तो आपको ना स्टील वाला सही रहता है। जो डिस्पेंसरी या वेटनरी होते हैं उनके पास आपको प्लास्टिक का इसलिए मिलता है क्योंकि उनको एक डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट पे नहाना होता है, फिर दूसरा डॉग आता है। तो जो ये वाले डॉग है अपने घर के, ये तो चबा चबा के उसको कबाड़ा कर देंगे, इसलिए स्टील वाला जो है वो ज़्यादा चलता है, इसीलिए हम स्टील का लाए। तुमने बब्जी से पहले, इससे पहले जो भी तुम्हारे पास ब्रीड थी कभी मजल खरीदे थे आज तक? नहीं। हाँ जो सबसे पहले जर्मन शेफर्ड थी ना माइकल, इवन मैंने उसके लिए भी खरीदे थे डॉर्जी। पर जरूरत कभी नहीं पड़ी होगी ना डॉर्जी? डॉर्जी नहाते हुए तंग करता था? नहाते हुए नहीं मनी, बब्जी का ना मेरे को बब्जी के लिए बचपन में कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, तुमने देखा होगा। वो सिर्फ इसलिए पड़े क्योंकि जब से इसके पैरों में दर्द, इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया। ये देखो मैं प्यार से करूंगा, हाँ, से करना। और इसको जैसे ओला को तुम उल्टा सीधा कर रहे थे ना घुमा, नहीं कर सकता इसको, नहीं कर सकते, खड़े खड़े ही नहलाना पड़ेगा इसको। मैं ना नल बंद कर देती हूँ। हाँ नल बंद कर दे। बड़ी ना डर डर के गई मैं नल बंद कर। क्यों इसके दर्द है? देखो मैं पीछे जाऊंगा ना इसको फिर चिल्लाएगा। और ये चमेली बैठी है, इसको बेचारी को ना कोई नहीं नहलाता, फिर भी ना राहुल इसका कोट ना सबसे ज्यादा चमकता है। क्या हो गया गुर्रा रहा है? इसका दर्द है यार, इसके ना वहाँ पे ना वो मुंह से पता कैसे आवाज निकल रहा हूँ। पर बेटा तो नहलाना भी तो जरूरी है, मैं क्या करूँ बता? आ इधर मेरे पास। हाँ मैंने कोई सब्सक्राइबर्स ने लिखा था आप स्प्रे यूज कर सकते हो। अच्छा हुआ तुम कपड़े वाला लाए। बैठ जा बब्बे बैठ जा, सिट डाउन। मुझे ना टेढ़ी आंखों से देख रहा है कि तू तो ना चुप ही कर जा भाभी। देख ले इसका मुंह मेरी तरफ है। मतलब? मतलब क्या, अगर मजल गया तो राहुल कोहली को आज 3-4 टांग के तो जरूर आएंगे। यार कल हमने फंक्शन पे जाना है, ऐसे मत करो। तो इंजेक्शन लगवा के भी जा सकता हूं। कोट पैंट डालना है तुमने? तो धोती में चला जाऊंगा। वो इंजेक्शन लगता भी पीछे है, पिछवाड़े पे चला जाऊंगा। इसे ट्रस्ट है मेरे ऊपर, मुझे इतना हाथ लगाने दे रहा। हां हां मेरे को तो कभी भी ना लगाने दे। अगली बार ना जोई को मैंने लाऊंगी। सुनो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दूं, जोई ना बहुत ज्यादा हाथ पकड़ के काटती है। कोई बच्चे बब्जी वो देखो बुलाने आए थे नीचे से। मैंने देखो कैसे देखो कितना अलर्ट हो गया। मैंने नहीं बोला, नीचे से बच्चे बोल रहे हैं बब्जी बब्जी। हमारा बब्जी स्टार से कम है कोई? हैं बब्जी चमेली
चमेली सुन के ना चमेली ऊपर देख रही। हाँ चमेली खाने के इंतजार में बैठी रहती है हर वक्त। बेटा नियंत्रण से मिलेगा खाना। यार राहुल इन स्ट्रीट डॉग्स को देखो, इनको कोई नहीं नहलाता, इनका कोट कितना चमकता है। इसको बहुत ज्यादा टिक्स हुए हैं, मैंने उसको परसों मेडिसिन दी है। वो स्प्रे नहीं मैं लेके आया था तो मेरे को ड्राइवर बोल रहा था साथ वाला कि भैया इसको ना टिक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मैंने ना वो चुपचाप लगी स्प्रे कर दिया। तुम ये सब चीजें कैमरे पे नहीं दिखा? अरे नहीं मनी, मेरी बात नहीं समझी। पता क्या कैमरे पे मैंने अपना पार्ट भी तो नहीं दिखाया। लड़ाई ज्यादा मत बोलो, तुम थे गलत पर। मैं तो गलती था भाई, मैं तो देखो सॉरी। राहुल तुम मेरे को प्यार करते हो, सब कुछ है, हस्बैंड वाइफ, हमारा रिलेशनशिप वो नहीं है। लोगों ने कहा कि डिवोर्स दे दो राहुल को, ये वो बेचारे ना एग्रीमेंट होके बोल रहे थे मेरे को अपनी बहन मानते हैं ना। तो लेकिन गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा रिश्ता ना डिवोर्स विवोर्स वाला ना रह नहीं गया। अगर मैं इस बंदे को ना लीगली डिवोर्स भी दे दूंगी ना तो भी ना हम एक दूसरे से अलग ना रह नहीं सकते। राहुल वो वाली बात तो बताओ कल रात को कि तुम मैंने कहा था मैं अपनी मम्मी के रहूंगी, फिर क्या हुआ था वो ना किस्सा सुना दो। कल रात को क्या हुआ है, कल रात को बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ है। तो मन्नी ने मन्नी ने क्या किया, मन्नी अपने घर चली गई। नहीं तुम छोड़ के, मैं छोड़ने गया, मेरे को ना ड्रामा कर रही है, थोड़ा उधर रहिए बच्चों, इतना की चिपक गया मुझसे, मुझे डर लगने लग गया। बातें करते करते कर लो, इसका भी ध्यान लगा रहेगा। ध्यान नहीं, नहीं किसी दिन कांड हो गया तो मुझे पता चल जाएगा ना, पर नहलाना जरूरी है बब्बे। चल इधर, कौन से तेरे को रोज रोज नहलाते, इधर इधर मुहूर्त निकाल के नहलाना पड़ता है तेरे को। ये देख बाल देख।